हाय हेलो। सो मैं समझ रहा हूँ कि आपको एक वेट मशीन, यू हैव टू परचेज अ वेट मशीन और अ वेइंग मशीन, 1 टन, 2 टन, 5 टन, कुछ भी। तो अगर आप ये खरीदना चाहते हो तो आपके पास एक सोच आता होगा कि इसके अंदर टॉप फीचर्स क्या होते हैं, इसके अंदर कौन सा फीचर मैं खोजूँ, कौन सा फीचर मैं लूँ, कौन सा फीचर मैं ना लूँ। दीज आर द क्वेश्चन यू मस्ट बी फेसिंग। एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल अंडरस्टैंड द टॉप 5 फीचर्स यू मस्ट हैव इन योर वेट मशीन्स। हाय, आई एम सौरभ तिकमानी, द डायरेक्टर ऑफ तुलसी वे सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सो लेट्स गो टू द क्वेश्चन। कौन से ऐसे टॉप 5 फीचर्स है जो आपके वेट मशीन में होना चाहिए एंड वाई? नंबर वन, आपको उसको 4 लोड सेल का लेना चाहिए। इफ़ यू टेक अ 4 लोड सेल सिस्टम, आपको एक्यूरेसी बेटर मिलती है और आपको उसके अंदर लोडिंग कैसा भी हो उसके अंदर लॉन्गेटिविटी ज़्यादा मिलती है। आपको वेट कभी भी कैलिब्रेट करने की ज़रूरत नहीं होती, फर्स्ट टाइम करने के बाद आप उसको लगा के छोड़ सकते हो। नंबर टू, उसके अंदर बैटरी बैकअप का ऑप्शन होता है, तो अगर आपके यहाँ पावर कभी जाता है तो बैटरी बैकअप कैन बी वेरी वेरी यूजफुल टू यू। नंबर थ्री, इसके अंदर आपका इपॉक्सी पेंट होता है, नॉट नॉर्मल पेंट, इपॉक्सी पेंट। इपॉक्सी पेंट का क्या फायदा है कि वो कभी चिप ऑफ नहीं होगा एंड दैट विल बी वेरी वेरी क्लीन, दैट विल नॉट इवन इनकाउंटर अ वेट डिफरेंस टू यू, दैट विल बी वेरी वेरी क्लीन एंड वेरी वेरी नाइस। नंबर फोर, उसमें चेकर्ड प्लेट होता है। चेकर्ड प्लेट आप जानते होंगे कि प्लेट है, उसके ऊपर कुछ कुछ ऐसे ऐसे चेकर्ड रहता है। अगर आप उसको ऑनलाइन सर्च करो तो आपको मिल जाएगा। एंड व्हाट हैपेंस विद दैट, अगर आप उस पर कोई भी मटेरियल रखो एंड अगर आपका मटेरियल स्लिपरी है तो वो नीचे गिरेगा नहीं, इट विल एक्ट एज अ स्टॉपिंग थिंग एंड इट विल टेक योर मटीरियल ऑन टॉप। दैट इज द बेनिफिट ऑफ अ चेकर्ड प्लेट। नंबर फाइव एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आज आप मशीन यहाँ रखना चाहते हो फैक्ट्री में, कल आप चाहते हो वहाँ रखो, सो इट्स अ वेरी पोर्टेबल मशीन। ऑल यू नीड इज अ फ्लैट ग्राउंड। अगर फ्लैट ग्राउंड नहीं होगा तो कभी सही वजन नहीं आएगा। सो दीज आर द टॉप 5 थिंग्स यू शुड सर्च इन योर वेट मशीन वेन यू आर परचेजिंग वन। इफ यू वॉन्ट नो मोर अबाउट इट देन यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट अ लॉस प्रिवेंशन एक्सपर्ट और कॉन्टैक्ट अस ऑन द बिलो मेंशन नंबर और द ईमेल एड्रेस और लीव अस अ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। वील बी हैप्पी to get back to you. Thank you.